वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रत्याशियों के प्रचार के लिए आयोजित आज की इस जनसभा के प्रमुख मार्गदर्शक हमारे तमाम वंचितों के बहुजनों के श्रद्धा स्थान बाड़ा साहब अंबेडकर, इस मंच पर उपस्थित हमारे युवाओं के वंचितों के नेता सुजात दादा अंबेडकर, महाराष्ट्र के अध्यक्ष रिकाताई और मंच पर उपस्थित पार्टी के तमाम जिम्मेदार साथियों, समय की कमी होने के नाते मैं धारावी के और दक्षिण मध्य मुंबई और हमारे दक्षिण उत्तर मुंबई के जितने भी मतदार भाई और बहन यहां पर मौजूद है, मैं सबको ये विनती करना चाहता हूं कि ये चुनाव इन दोनों पार्टियों ने, कौन सी शिवसेना असली और कौन सी शिवसेना नकली, ये असली और नकली के चक्कर में मुंबई और महाराष्ट्र के लोगों को लटका के रखा है। और हम सबको मालूम है कि आपकी शिवसेना असली और नकली के चक्कर में हमें अटकना नहीं है, और सब लोगों के अंदर एक डर बिठा के रखा है, जिस डर के आधार पर आज तक इन पंडे पुजारियों ने स्वर्ग और नरक का डर बताकर, भगवान और शैतान का डर दिखाकर हमारे ऊपर सदियों से राज किया जा रहा है। आज वही बात है, हिंदुओं को मुसलमानों का डर बताया जाता है, मुसलमानों को हिंदुओं का डर बताया जाता है, कुछ संविधानों प्रेमियों को संविधान हटाने का डर बताया जाता है। यह डर का व्यापार करने वाले, असली और नकली शिवसेना की बात करने वाले इन तमाम बदमाशों को मेरा सब लोगों को कहना है कि यह असली और नकली शिवसेना के चक्कर में हमें नहीं पड़ना है। यहां पर लोगों की जिंदगियों के जो असली सवाल है उनके ऊपर बात करने वाला अगर कोई नेता है तो श्रद्धेय बाड़ा साहब अंबेडकर है। हम लोगों की जो जिंदगियां हैं, हम लोगों की जो असल समस्याएं हैं, उसके ऊपर ये लोग बात नहीं करेंगे, ये मंदिरों और मस्जिदों पे बात करेंगे, ये जाति और धर्म पे बात करेंगे। इसलिए मैं तमाम लोगों से बस एक ही विनती करना चाहता हूं कि जज्बे शौक शहादत तो क्या कीजिए, अब तो हमने भी हाथों में सर ले लिया, अब कत्ल होने से कब तक डरे यारो, जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। इसलिए अभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं तमाम वंचित पिछड़े मुसलमान दलित आदिवासियों से, उन तमाम लोगों से विनती करना चाहता हूं, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये शिवसेना और भाजपा जैसे बदमाशों का मुकाबला करने वाला, इनको घुटनों पर लाने वाला नेता बाड़ा साहब अंबेडकर हमारे बीच में बैठे हैं। बाड़ा साहब अंबेडकर की ताकत को बढ़ाने के लिए हम सब लोग आने वाली 20 तारीख को, हमारा चुनाव चिन्ह गैस सिलेंडर है, लेकिन गैस सिलेंडर का बटन दबाना, सिर्फ सिलेंडर का बटन नहीं दबा रहा है, इन सारे बदमाशों का गला घोटने का काम 20 तारीख को हम लोग वंचित बहुजन आघाड़ी की ओर से करेंगे। और जाते जाते बस एक बात कि सब लोग मुसलमानों को लेके बहुत अफवाह फैलाई जाती है, हमें मुसलमान नहीं चलता, लेकिन मुसलमानों की सरजमी ईरान, इराक, अफगानिस्तान से आने वाला पेट्रोल, डीजल और गैस कहां से आता है? मुसलमानों की जमीन से आता है, तब जाके हमें मुसलमानों का पेट्रोल डीजल तो चलता है, लेकिन मुसलमानों के बारे में अफवाहें फैलाई जाती है। मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन कोई मुसलमान आपको सांसद नहीं चाहिए, सिर्फ इकलौते नेता बाड़ा साहब अंबेडकर है जो इस देश के तमाम लोगों को सांसद बनाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपको विनती करना चाहता हूं उन तमाम लोगों से कि हम वतन हैं, हमें बेसुध ना समझा जाए, और प्यार के फूलों को बारूद ना समझा जाए। जो है मुजरिम उन्हें सूली पर लटका दो, मगर हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए, हर मुसलमान को दाऊद ना समझा जाए। आप सब लोग आने वाली 20 तारीख को गैस सिलेंडर का बटन दबाएंगे, बाड़ा साहब को वचन दीजिए, वंचित बहुजन आघाड़ी चा
वंचित बहुजन आघाडीचा बाळासाहेब आंबेडकर संघर्ष करो। जय भीम, जय शिवराय, खुदा हाफिज़।